तो ये हो गई हमारी कार तैयार, एक्सयूवी। नीचे पूरा बेड बना दिया है यहाँ पे, और दोनों सीट फोल्ड्स हैं, और इस साइड सारा सामान लगेज हमारा इधर नीचे हो गया है। ये प्रॉपर बेड बन गया है, 2-3 लोग आराम से इधर सो सकते हैं। आगे एक ड्राइवर और मैं इधर बैठूंगा या मैं चलाऊंगा। ये पूरा सेटअप है हमारा, ये कैंपिंग करने हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आगे बताएंगे आप लोग को रास्ते पे। ये रत्नेश जाएगा अंदर चेक करने कैसा कंफर्ट लेवल है, बताएगा। तो रत्नेश पूरा पैर आ रहा है अंदर यहाँ तक? अरे वाह, क्या हाइट है तुम्हारी? का इंसान हूँ और देखो इजी हो गया, इजीली लेटा है और पैर देखिए यहाँ तक है, और ये डोर यहाँ पे आकर के बंद हो जाएगा। तो एकदम परफेक्ट जगह है, आराम से हमारी जर्नी जो है 8-9 घंटे की पूरी कटेगी। मैं भी अंदर जाता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ कैसी है जगह। वाह कंफर्टेबल, हाँ एसी चल रही है आराम से, बढ़िया सही है। कैंपिंग करते हैं हम लोग। ये हो गया एसी वेंट पीछे वालों के लिए, इधर ये बैक साइड है, और ये चार्जिंग पोर्ट। यहाँ कुछ रखना है सामान तो यहाँ अपना सामान रख सकते हैं। ये हैंडल बार है, और ये 2 लाइट इधर लगी हुई है, एक एसी का वेंट इधर है, इधर भी। ये एसी कंट्रोल करने के लिए है, यहाँ से ये आप कंट्रोल कर सकते हैं सोते सोते। ये भी कुछ आपको सामान रखना हो तो रख सकते हैं। पीछे भी कुछ है, और यहाँ पे भी एक लाइट है, जल नहीं रही है पर है यहाँ पे लाइट। फिर एक लाइट इधर है, एक लाइट वैसे ही इधर भी है, जल नहीं रही है, और एक लाइट इधर है। फिर आगे तो लाइट सही है। ये ड्राइविंग सीट और को पायलट। तो रात के बज रहे हैं 3, और जैसे तैसे हम लोग को जो भी कपड़ा मिला वो पहन करके अभी निकलना पड़ रहा है अर्जेंटली घर से। 3 बज चुका है, देखिए आप घड़ी में 3 बज रहे हैं, और विद फैमिली हम लोग निकल रहे हैं घर से। तुरंत बाहर जाना है हम लोग को, तुरंत जाना है। गाड़ी रेडी है, नीचे खड़ी है। आप आगे व्लॉग में देखिए क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम लोग आपको पूरे व्लॉग में बताऊंगा मैं कि क्या क्या हुआ ऐसा शाम को कि हम लोग को विद फैमिली तुरंत भागना पड़ रहा है रात के 3 बजे। इसमें तो रात का 3 बज चुका है, देख लो रेडी हो चलना है, और कितना टाइम लगेगा? बस चल रहा है, जल्दी चलो। हाँ। हो गया, नीचे गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ। तो ये पूरा सामान एडजस्ट हो गया है, सब लोग अंदर। कैसा है अंदर, कंफर्टेबल है? हाँ। दिखाए इधर से, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। टाइम हो रहा है 3:08, सब लोग बैठ चुके हैं, बगल में रत्नेश भी है, पीछे स्मृति, मम्मी पापा, सब लोग अपना अपना व्लॉगिंग कर रहे हैं। पापा मस्त लेट गए, दिख भी नहीं रहे हैं। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो लगाते हैं फर्स्ट गियर और स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो कैसा है पीछे? मस्त, कंफर्टेबल है पूरा। कैसा रिव्यू है तुम लोग का इस गाड़ी के लिए XUV 500? बहुत अच्छा, थोड़ा और सफर पूरा करें। अरे हो गया कम से कम 30-35 सेकंड तो हो ही गया होगा। तो ही बता देंगे आगे फ्यूचर का ट्रिप कर सकते हैं, है ना रत्नेश? तो अभी हम लोग रुके हैं बीच रास्ते में कुछ चाय पानी नाश्ता करने के लिए। ये लोग तो सो रहे हैं आधी नींद में, स्मृति अभी जागी है 2 मिनट पहले। सोने नहीं दिया इन्होंने, बहुत खराब गाड़ी चला रहे थे। तो अभी सुबह हो गई है, बज रहे हैं इस समय सुबह के 5:07, और हम लोग अभी रांची क्रॉस कर गए हैं। रांची क्रॉस करके जमशेदपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग निकले थे 3:30 बजे रात में, 3:30 से रांची होते हुए, रांची में रत्नेश को कुछ काम था, अपना कुछ सामान लेना था, सामान ले करके फिर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं जमशेदपुर की तरफ। जमशेदपुर से होते हुए कहाँ, खड़गपुर से पहले कट आएगा ना रत्नेश? किधर? खड़गपुर हम लोग को जा रहे हैं, खड़गपुर से पहले कट आ जाएगा। बारह घोड़ा से सीधा खड़गपुर, बारह घोड़ा खड़गपुर फिर वहाँ से फिर हम लोग कट जाएंगे मंदारमनी के लिए।
गाड़ी चल रही है, बाकी लोग पीछे अपने आराम से सो रहे हैं। ये देखिए पूरा इदाल हटू आ गए हम लोग यहाँ पे। हम लोग एक चाय ब्रेक लेंगे, काफी टाइम से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, पीछे तो लोग सोए हुए हैं लेकिन चाय हॉल्ट बनता है। वो देखिए एक चाय की दुकान सामने। चाय चाय स्वेते उठो, देखिए सो रही है, कितनी गहरी नींद में उठ गया। चाय सब मजा आ रहा है। टाइम हो रहा है 6:39 और हम लोग जमशेदपुर के आउटर में हैं और ये लोग तो अभी सो करके अभी जस्ट उठे हैं। तो क्या है कि हम लोग को तो भूख लग रही है, इन लोगों को भूख नहीं लग रही है। 8:30 तक ये लोग खाएंगे। सामने पराठा दिख रहा है, मस्त पराठा बना रहा है, जा रहे हैं हम लोग वहीं पराठा खाने। बना रहे हैं भैया पराठा 20 रुपया पर पराठा, बढ़िया। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं, पीछे मम्मी और स्मृति तो ब्रेकफास्ट नहीं की, सोने में बिजी हैं लोग। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से फिर से वापस नहीं, जमशेदपुर से आगे निकल रहे हैं।
कहा जा रहा है सरडीहा गोपी बल्लभपुर स्टेट हाईवे है। ये दोनों साइड आप देख रहे हैं, दोनों साइड एकदम डेंस फॉरेस्ट है, बीच से ये रोड गई हुई है। आप देखिए मैप पे देखिए, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरा फॉरेस्ट है दूर दूर तक। उधर वेस्ट बंगाल उड़ीसा का बॉर्डर है और ये फॉरेस्ट में ही अभी ये कवर होगा पूरा रास्ता। इधर इधर इधर। तो हम लोग अभी पहुंच गए अपने होटल मंदारमनी में, कैंडलवुड होटल है ये। और अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं, बहुत थक चुके हैं रात से। मुझे लग रहा है कि शाम को 6-7 बजे से मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, और कार ड्राइव करते करते हम लोग रामगढ़ गए, रामगढ़ से फिर प्लान बना यहाँ घूमने का, फिर वापस घर गए, फिर घर जाके पैकिंग किया, पैकिंग करके फिर घर से हम लोग निकल करके तुरंत 7-8 घंटे का ये ड्राइव था हमारे घाटों से मंदारमनी तक, वेस्ट बंगाल मंदारमनी बीच का। तो अभी हम लोग आ गए अपने रूम में, चेक इन कर लिए, आपको मैं रूम का टूर कराता हूँ। उससे पहले मैं दिखाता हूँ थोड़ा होटल का व्यू कैसा है। ये है हमारे होटल की एंट्री वो सामने से, और ये कुछ डेकोरेशन बोट और ये सब रखा हुआ है इन्होंने, बीच में गार्डन टाइप का है, पीछे पूल भी है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा होटल है ये। और ये देखिए, ये वो वाला जो रूम देख रहे हैं आप, वो मम्मी पापा का रूम है, वहाँ पे वो वहाँ पे मम्मी पापा लोग हैं, और मम्मी को चढ़ने में दिक्कत होती है इसलिए उनका नीचे का रूम ले लिया है, और ऊपर वाला रूम ये हम लोग का है। ये साइड से ये पूरा होटल का सीन है। ये रूम हो गया, रत्नेश खड़ा हुआ है बाहर का नज़ारा ले रहा है। ये रूम में हम लोग एंटर हुए, ये चाय बना रही है स्मृति। ये हो गया हमारा वॉशरूम, बहुत बढ़िया है, एक नंबर वॉशरूम दिया है। ये हम लोग का कुछ लगेज रखा हुआ है, ये मिरर है, इधर वार्डरोब दिया हुआ है, और ये है बेड। स्मृति वो लाइट ऑन करना था, लाइट ऑन करके दिखाओ कैसा है। अरे वाह, वैसे उधर की भी लाइट है, एसी लगी हुई है, बाहर बालकनी है, ये एक टीवी दिया हुआ है, छोटा फ्रिज है, कुछ ऐसा ठंडा यहाँ पे रखना हो तो रख सकते हैं। ये पूरा व्यू है रूम का, वो एंट्री हो गई, और फिर ये सीटिंग एरिया, ये बालकनी है हमारी, अच्छी बड़ी बालकनी दिया है, बहुत बढ़िया रूम है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये व्यू है इधर से, ये इधर का व्यू है, उस साइड आपका जो बीच व्यू है वो उधर है, उधर बीच है। तो अभी हम लोग कर लिए चेंज और करने जा रहे हैं पूल पार्टी। ये हम लोग का गेटअप, जा रहे हैं हम लोग पूल में पार्टी करने। कर रहे हो तो पूल 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 पार्टी, चलो लेट्स डू पूल पार्टी। कुछ भी टीम का हो कुछ गए, अरे एकदम सडन बन गया रात को।
तो अभी हम लोग स्विमिंग पूल में खेल के जा रहे हैं वापस अपने रूम पे भोजन पानी करने। भोजन पानी भी बहुत ज़रूरत है, पानी तो हो गया अभी भोजन नहीं हुआ है, तो भोजन करते हैं फिर नेक्स्ट राउंड हम लोग बताते हैं क्या करते हैं। हम लोग मिलते हैं आपसे आगे, डायरेक्ट कहाँ पे मिलेंगे हम लोग? बीच बीचों बीच।